हर साल 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है। वहीं जिला मंडी में भी विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, जहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला मंडी द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसे सेरी मंच से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल रैली के आयोजन का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये हमारे जो एमपीएलएचएफ की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि लोगों के ऊपर जो हैबिट डालना है, अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है, पर्यावरण को बचाने का है। इसके होता है, जैसे आजकल आपको देखने को मिल रहा है कि जगह जगह हमारी यंग जनरेशन अभी हमारी जो LCD मतलब जो ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ साइकिलिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इससे क्या होता है, हमारी हेल्थ जो बनती है, अगर हम डेली साइकिलिंग करें तो हमारा वर्जिश होती है। किस्म से आप देखने को मिल रहा है कि आज यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ रही हैं, शुगर की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो उन लोग बीमारियों से बचाने के लिए साइकिलिंग एक बहुत अच्छा हमारा एक एक्सरसाइज का एक माध्यम है। और इससे हम अपने को एक तो अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम डेली साइकिलिंग करें तो इससे हमारी तो मस्कुलर भी ठीक होते हैं, बॉडी स्वस्थ रहती है, इसलिए हमारा पर्यावरण के लिए भी स्वच्छ रहता है, उसके लिए भी स्वच्छता का संदेश जाता है। तो इसलिए जो आप सरकार ने और सेंटर से भी और गवर्नमेंट हमारी हिमाचल सरकार ने भी ये चीज़ जो है विश्व साइकिलिंग दिवस को जो है पहली बार ये हमारे से प्रोग्राम शुरू किया गया है। अब इसका मेन उद्देश्य ये है कि हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो हमारे दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या LCD की जो बीमारी है, जिसको हम बोलते हैं LCD अपने नॉर्मल में बात करते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ जो है स्टार्ट की गई है।